हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू चैट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हैं सीबीएसई की ओर से जारी क्लास 10 के 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम को, जो 2020 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो डेट शीट है वो जारी कर दिया गया है, और आज हम वही डेट शीट को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डेट शीट 17 दिसंबर को जारी किया गया है और आज हम ये वीडियो आपको बनाकर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हम चाहते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार से जो भी मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको पास बहुत जल्द पहुँच जाए। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ इस कॉलम पर आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट डेट और टाइमिंग नज़र आने वाला है, और 15 फरवरी 2020 से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड है, और ये सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको बताएगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का उस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और टाइमिंग आपका 10:30 से 12:30, पहला 15 फरवरी 2020 का, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नेम मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने स्क्रीन को आगे स्क्रॉल करते हैं और अपने सब्जेक्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं अपने स्क्रीन को आगे की ओर लेके जा रहा हूँ। आपका पहला एग्ज़ाम 15 फरवरी को था, और 15 फरवरी 2020 को, और टाइमिंग आपका है 10:30 से 12:30 बजे, और रिलेटेड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपको नज़र आएगा वो आपका है 17 फरवरी 2020 को, और यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आप देख सकते हैं, आपका इसमें से सब्जेक्ट है तो 17 फरवरी 2020 को ये सब्जेक्ट होने वाली है। आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 20 फरवरी 2020 को, है ना, आपका यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी के बाद सीधा हो जाएगा 22 फरवरी को, ठीक है। 22 फरवरी को होगा, जो 10:30 बजे से लेकर 1:30 तक होने वाली है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को लिख लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 24 फरवरी 2020 को, 24 फरवरी 2020 से जो एग्ज़ाम होने वाली है वो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पर बताई गई है, और ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये एग्ज़ाम भी हमारा 10:30 से यानी 10:30 बजे से लेकर 1:30 तक होने वाली है, और यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, और उर्दू कोर्स ए, पंजाबी, है ना, ये तरह तरह के जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाली है। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और उसके बाद हमारा ये जो है 26 फरवरी 2020 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज जो होने वाली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। ये आपका 10:30 से 1:30 तक होने वाली है 26 तारीख को। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं 28 तारीख को, उसके 26 तारीख के बाद अब 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 28 फरवरी 2020 को। और यहां पर ये सब्जेक्ट है, जिनका ये सब्जेक्ट है उनके लिए एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद हमारा 29 फरवरी 2020 को, क्योंकि इस वर्ष लीप वर्ष भी होने वाला है, 2020 हमारा लीप ईयर भी है, और इसलिए 29 फरवरी भी है हमारे पास, तो उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10:30 से लेकर 1:30 तक ही एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी ए और हिंदी बी का, ठीक है। तो उसके बाद हम अगला देख सकते हैं, 2 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है, जो आपका 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक फिर यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं 4 मार्च 2020 को, तो ये यहाँ पर आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 10:30 से लेकर 1:30 तक होने वाला है, ठीक है। साइंस थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर होने वाला है, और साइंस प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके ये जो सब्जेक्ट कोड है अपना सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा, और आप अपना सब्जेक्ट को देख कर प्रोग्राम को अपने कॉपी पर नोट कर लें। अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर 6 मार्च 2020 को आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है यहाँ पर, वो आपका 10:30 से लेकर 1:30 तक होने वाला है, और ये सब्जेक्ट कोड उसके लिए है। उसके बाद हम आपको अगला बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि सैटरडे के दिन जो आपका रहेगा वो 7 मार्च 2020 को,
यहाँ पर संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद हमारा 12 मार्च 2020 को मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक, ये दोनों का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आपका 14 मार्च 2020 को पेंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, और 18 मार्च 2020 को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, आपका टाइमिंग कितना ड्यूरेशन कितने घंटे का एग्ज़ाम होगी, और आपका यहाँ पर बैच, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इस पोर्शन में आप देख रहे हैं आपके सब्जेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं 20 मार्च 2020 को जो आपका अंतिम एग्ज़ाम होने वाला है, और ये आपका यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और ये आपका टाइमिंग रहेगा, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड को देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को औरों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।